बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम फीचर के माध्यम से सिंगल विंडोज़ के क्या लाभ हैं उसके बारे में बात करेंगे और बरसात के समय में मुर्गियों में लगने वाले रोग के रोकथाम के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रगतिशील कृषकों एवं लघु डेयरी उद्यमियों को मिलेगा अनुदान। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मछली अंगुलिकाओं का होगा संचयन। गेंदा फूल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा बसंती। अब समाचार विस्तार से। केंद्र प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण प्रगतिशील कृषकों एवं लघु डेयरी उद्यमियों को गव्य विकास के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड के माध्यम से सरकारी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक लाभुक जिला गव्य विकास पदाधिकारी लातेहार के कार्यालय में आवेदन जमा करें। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और मछली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जलाशय मछली विकास योजना के तहत छोटे बड़े जलाशयों में मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाना है। इच्छुक मछली बीज उत्पादक मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए 11 नवंबर तक जिला मत्स्य पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में आवेदन जमा करें। चाकी तसर कीट पालन के लिए जहां बाग लगाना चाहते हैं पहले उस जमीन की मिट्टी की जांच करा लें, साथ ही ख्याल रखें वह ऊंची जमीन हो और उसमें जल जमाव की समस्या ना हो। नायलॉन शेडनेट हाउस में प्रक्षेत्र तैयार करें, इसमें पौधा लगाएं और कतारों के बीच 4 फीट और पौधों के बीच 4 फीट की दूरी रखें। अगर सॉइल के देखा जाए तो पहले कोई अगर जगह चौकी रियरिंग हो और लेट एज रियरिंग हो, पहले जगह का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ एरिया, जो प्लांटेशन एरिया, यह बहुत जरूरी है। तो उससे पहले आजकल तो और गवर्नमेंट के सर्व सहायता मिलता है, सॉइल को आप टेस्ट कर सकते हैं क्या मेरा मिट्टी में क्या क्या फर्टिलाइजर है और क्या देना आवश्यक है उसको कर लिया जाए और जगह का चयन कर लिया जाए। जो जगह आप चयन करेंगे वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा हाइट पोजिशन एलिवेटेड पोजिशन होना चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग होगा तो पानी जमेगा, फिर बीमारी होगा, कीड़ा मरेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए थोड़ा एलिवेटेड एरिया को चुनना चाहिए। उसके बाद जो चौकी गार्डन आप बनाएंगे उसी टाइम आपको ध्यान रखिए स्पेस का, 4x4 स्पेसिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर 4x4 स्पेसिंग करेंगे तो हमारा जो नाइलन नेट का जो टेक्नोलॉजी है उसमें 70 प्लांट आ जाएगा 4x4 स्पेसिंग में, जिसका साइज है 40 फीट इंटू 30 इंटू 10 फीट हाइट, उसके अंदर लगभग 70 प्लांटेशन आ जाएगा। उसमें किसान भाई आराम से 225 DFL का चक्की रियरिंग कर सकते हैं। सो ये बनाने के टाइम पर इसको ध्यान देना है बहुत। गेंदा फूल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और बीज से बीज के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप और फ्रेंच गेंदा लगाएं। गेंदा फूल की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसका पीएच 7 के आसपास हो उपयुक्त है। ध्यान रहे नर्सरी बेड में बिचड़ा तैयार करके खेत में लगाएं। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में व्यस्क कीटों के रोकथाम के विषय। लत्तेदार सब्जी फसलों में व्यस्क कीटों के रोकथाम के लिए खेत में जहरीला चारा डालें। जहरीला चारा इस प्रकार तैयार करें, 1 एकड़ की दर से 1 किलोग्राम कोहड़ा को अच्छी तरह से मसल दें। इसमें 100 ग्राम गुड़ और 10 मिलीलीटर मोलाथियोन दवा डालकर इसे अच्छी तरह से मिला दें। इस जहरीले चारे को खेत में 4 से 5 स्थान पर रखें। एक फसल मौसम में
दो से तीन बार यह उपचार करें, व्यस्क कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की। आज जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। आज जो किसान हैं उनका एक ही लक्ष्य है, खेती से अधिकाधिक आमदनी प्राप्त करना। वे खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उपज में वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अन्य किसानों को भी बेहतर खेती के लिए प्रेरित करते हैं। हम लोग पहले पौराणिक पद्धति से खेती करते थे, लेकिन अभी आधुनिक पद्धति से खेती कर रहे हैं। उसमें उत्पादन बढ़ रहा है और मार्केट में वैल्यू भी बढ़ रहा है। जो आधुनिक पद्धति से खेती करते हैं उसमें फसलों का क्वालिटी अच्छा रहता है, मार्केट में अच्छा मूल्य मिलता है और हम लोग अभी खेती से ही सारा आजीविका चलाते हैं। और अब एक नज़र राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस बना रहा। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी करते हैं और तरह तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं और इस समस्या का समाधान अगर आपका वक्त पर हो जाए तो आप कई तरह की परेशानियों से बाहर आ सकते हैं और आपकी आमदनी भी बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार ने एक सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से एक योजना बनाई है जिसमें आप किसी भी तरह की परेशानी जिसका आप सामना कर रहे हैं उसका समाधान आप वहां पर ले सकते हैं। इससे कैसे लाभ लिया जाए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हमारा ये फीचर्स, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। समय के पाबंद किसान यदि इन सब की जानकारी लेना चाहें तो उन्हें खेती में लगने वाले समय को यहां लगाना पड़ेगा जो उनके लिए परेशानी का सबब है। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस समस्या को सुविधा में बदलने की अवधारणा दी है। कृषि और कृषि आधारित सभी व्यवसायों की सारी जानकारी एक छत के नीचे उपलब्ध करा दी और उसका नाम रखा कृषि सिंगल विंडो सेंटर। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का यह इनिशिएटिव है। पूरे देश में झारखंड एक ऐसा राज्य जो पहला इनिशिएटिव लिया और 2016 में यह सिंगल विंडो सेंटर की अवधारणा आई यहाँ पर झारखंड में, और इसका श्रेय भी जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अभी पूरे राज्य में 260 सिंगल विंडो सेंटर है, मैंने 260 ब्लॉक में आपका सिंगल विंडो सेंटर पहुँच गया है और विकास भारती के साथ 164 सिंगल विंडो सेंटर है आज के डेट में। तो सिंगल विंडो सेंटर लाने के पीछे यही उद्देश्य था कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ तरीके से सुविधा कैसे दिया जाए, तो इसी को ध्येय में रखते हुए सिंगल विंडो सेंटर का इनिशिएटिव सरकार ने लिया, झारखंड सरकार ने लिया और इसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक है। किसान प्रति सिंगल विंडो सेंटर जो है किसान का लगभग जो है किसानों के बीच में सिंगल विंडो सेंटर हर सेंटर से पर मंथ 1,000-1,500 किसान उससे सीधा तौर से जुड़ते हैं। किसानों की कोई स्कीम से उनका एप्लीकेशन देना हो, किसी स्कीम के बारे में जानकारी लेना हो, ये तमाम चीजों की जानकारी सिंगल विंडो सेंटर से प्राप्त होती है। कृषि सिंगल विंडो सेंटर खोलने का उद्देश्य है खेती बाड़ी से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान सभी किसानों तक पहुंचना। दूर दराज गाँव के किसान भी इसका पूरा लाभ ले सकें, इसलिए अब हर जिले के हर प्रखंड में कृषि सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना कर दी गई है। देखिए, किसानों के साथ समस्या दूर दराज के जो गाँव है उस गांव को कैसे समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा तरीका से सुलभ तरीका से उसका समाधान किया जाए, इसीलिए सिंगल विंडो सेंटर प्रखंड स्तर पर लाया गया।
और मान लीजिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जिला कृषि विभाग भी है, वो जिला स्तर पर भी है, और कृषि विज्ञान केंद्र तो गुमला जिला का बिशुनपुर प्रखंड में है। अगर जाड़ी का किसान को किसी चीज़ की जानकारी लेना हो तो उसको थोड़ा दिक्कत होता था, आज उसको ये सुविधा हो गया कि जाड़ी में भी सिंगल विंडो सेंटर है, और सिंगल विंडो सेंटर का जो कर्मचारी है, जो उसमें तकनीकी अधिकारी है वहाँ पर जो बैठा, वो सीधा कृषि विज्ञान से लिंक है, और उसको जो कोई प्रॉब्लम आता है, कोई किसान अगर कोई समस्या लेके आया तो व्हाट्सएप का यूज करता है, अगर उनको उतना जानकारी है तो व्हाट्सएप से उस प्रॉब्लम को केबीके तक पहुंचाता है, और केबीके से त्वरित उसका समाधान उनको मिलता है। कृषि सिंगल विंडो सेंटर में कीट, रोग, व्याधि और प्रतिकूल मौसम से संबंधित समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है, साथ ही साथ कृषि आधारित योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र भी उपलब्ध होता है। जानकारी के लिए सेंटर के समन्वयक और कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकृत विशेषज्ञ भी उपलब्ध रहते हैं। देखिए, वहाँ पर सभी विभाग का जो भी स्कीम है उसका डिटेल जानकारी वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, समन्वयक है, उसको देते हैं, और उनका फॉर्म रहता है सभी संबंधित, जैसे कि मान लीजिए किसी को मशीन लेना है तो मशीन कैसे ले उसकी पूरी जानकारी वहाँ के समन्वयक जो है उसको फीड है, और वहाँ पर जो फॉर्म भरना है और मशीन से लेना है, सब्सिडी पर लेना है, तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर वो फॉर्म भरेंगे, उसका लेंगे। अगर किसी को इंश्योरेंस का बात करना है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा इंश्योरेंस का भी वहाँ पर फॉर्म है, उसको आप लीजिए, और वहाँ बताने वाला वहाँ पर है ही, वो आपको बताएगा। और मुक्त किसी किसी दिन जो फिक्स है, मान लीजिए कि एक दिन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का आदमी आना है वहाँ पर, तो उस दिन लोगों को जानकारी उस क्षेत्र में रहता है कि आज भाई उस विभाग के लोग आएंगे, तो उसे विशेष तरीके से जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। वर्ष 2016 में स्थापित कृषि सिंगल विंडो सेंटर अब तक बहुसंख्यक किसानों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिनों दिन इससे जुड़ने वाले किसानों की सदस्यता बढ़ रही है। किसी भी कारणवश जो किसान इससे नहीं जुड़े हैं, उनसे अपील है कि अविलंब कृषि सिंगल विंडो सेंटर से जुड़ जाएं। जानकारी लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप आप कृषक गोष्ठी में शामिल हो सकते हैं और डिजिटल सुविधा यानी संचार माध्यमों से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, सिंगल विंडो सेंटर काफ़ी प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, और इसका नतीजा यह है कि इसी साल 32,000 किसानों के द्वारा गुमला जिला में 32,000 हेक्टेयर में फसल बीमा कराया गया है, जो कि पिछले साल करीब करीब 25,000 से 24,000 था, तो 8,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो ज़्यादा हुआ। तो ये 8,000 हेक्टेयर एरिया बढ़ा, 8,000 हेक्टेयर एरिया कुछ मायने रखता है, इसका मतलब कि यहाँ पर छोटा जोत का किसान है तो एक हेक्टेयर में यहाँ चार से पांच किसान आ जाता है, तब समझ जाए कि 8,000 हेक्टेयर एरिया एक्स्ट्रा होना, इसका मतलब कि किसान मिनिमम 25,000 से 30,000 किसान के बीच में इसकी जानकारी को पहुंचना। और आज हमारा गुलाब जिला में जो किसान की संख्या पर बात किया जाए तो 72,000 किसान जो है इस पर बीमा करा पाया है। तो क्या है, सिंगल विंडो सेंटर, जो कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, ये तमाम जो स्टेक होल्डर हैं एक प्रकार के सिंगल विंडो सेंटर की तरह काम करते हैं। किसानों को वन स्पॉट सारी चीज़ की जानकारी, सोल्यूशन, ये सब मिलता है। अब सिंगल विंडो सेंटर से आत्मा की बहुत सारी गतिविधि सिंगल विंडो सेंटर से चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है डिजिटल इंडिया। जब इंडिया डिजिटल होगा तो कृषि जगत और किसान भी डिजिटल होगा। कृषि और कृषक तकनीकी सुविधाओं से लैस होंगे, तभी उनकी और देश की तरक्की होगी। कृषि कार्य की मांग है सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान, और यही सुविधा उपलब्ध कराता है कृषि सिंगल विंडो सेंटर। आप इससे जुड़े और इसका लाभ लें। तकनीकी हस्तांतरण के कई सारे माध्यम हैं। एक सीधा संवाद स्थापित करना, आज आप देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बराबर फोकस है कि डिजिटल इंडिया हो, और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में कृषि भी आगे बढ़े, और ऐसा आप दिख रहा है। आज झारखंड सरकार में पूरे झारखंड में केबीके के माध्यम से प्रति केबीके के पास 10,000 से कम किसान का डाटाबेस नहीं है, सभी के पास डाटाबेस है। तो हम वन स्टॉक में अपने मैसेज को 10,000 किसान तक सीधे पहुंचाते हैं। एक मैसेज बनाए जो रजिस्टर्ड किसान है तो वो मैसेज सीधा समय के अनुकूल जो है उसको सीधा मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ है। उसके बहुत सारे किसान जो है हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो उसके माध्यम से जो खास करके रोग व्याधि है उस पर कैसे प्रबंधन हो, रोग का क्या लक्षण हो, ये तमाम चीज़ की जानकारी हम व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचते हैं। उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर पर,
उन जनप्रतिनिधियों के साथ कृषि विज्ञान केंद्र और सिंगिंग विंडो सेंटर के माध्यम से प्रति सभी प्रखंडों के उन लोगों से भी हम लोग सीधा संपर्क में रहते हैं थ्रू डिजिटल, ताकि देखिए वो जनप्रतिनिधि गांव में रहते हैं और गांव को उनको जो उनका जो दायित्व है उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में उनका अपग्रेडेशन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा उनको अगर जानकारी होगी तो किसान तक भी वह सुविधा उनको मिलेगा और किसान का उत्पादकता अच्छा से ले पाएगा। झारखंड के परिवेश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मुर्गी पालन करते हैं और बरसात के समय पर इंसानों के साथ साथ पशुओं में भी बीमारी आती है और ख़ास करके मुर्गी की जो बीमारी होती है वो काफ़ी नुकसानदायक बन सकती है अगर आप उसका सही से ध्यान ना दें। तो सबसे पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि आपकी मुर्गी में कौन सी बीमारी लगी है और इसका इलाज क्या है। चलिए फीचर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि मुर्गी में लगने वाले रोग और उसकी रोकथाम कैसे करें। राज्य की जो ग्रामीण मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं वे इस मौसम में मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अभी बारिश, नमी और जल जमाव के कारण कई रोग फैलते हैं। इसमें कई संक्रामक होते हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं, जिससे मुर्गियों की मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है, जिससे मुर्गी पालकों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इस मौसम में मुर्गियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके आवास को स्वच्छ और सूखा रखें, साथ ही वहां ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दवा का छिड़काव करें, लेकिन इससे पहले मुर्गियों को रानीखेत का टीका दिला दें। सबसे पहले उसके घर को साफ सफाई कर रखेंगे, सूखा रखेंगे, जिसके वजह से उसके घर में किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं आएगा। और 4 से 5 ग्राम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का पाउडर 1 लीटर पानी में मिला करके 100 मुर्गी पर हम लोग देंगे, जिससे क्या होगा कि उसमें किसी तरह का कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगा। उससे पहले हम लोग टीकाकरण जरूर कर लेंगे। रानीखेत बीमारी के लिए हम लोग 1 बूंद नाक में, 1 बूंद आँख में वैक्सीन देंगे, जिससे क्या होगा कि उसमें बीमारी नहीं आएगा। अब सुई में भी उपलब्ध हो गया है 0.5 ml, वो भी हम लोग जांग में दे देते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री में, और बैकयार्ड पोल्ट्री मतलब जो देहाती मुर्गी है उसमें भी दे देते हैं, तो उससे ये रानीखेत बीमारी नहीं आती है। मुर्गियों की कई प्रजातियों में रोग लड़ने की क्षमता अधिक होती है, जबकि मुर्गियों की कुछ प्रजातियों की रोग रोधी क्षमता कमजोर होती है। इसके अलावा कुछ देशी प्रजाति की मुर्गियां मौसम, परिवेश, सहज पालन पोषण के अनुकूल होती है। मुर्गी पालन भाई, जब आप पोल्ट्री फार्म में नए चूजे लाने वाले हैं तो इन बातों का खास ध्यान रख कर ही उन्नत नस्ल वाले चूजे लाएं। चूजे बाजार के प्रामाणिक एवं विश्वसनीय दुकान, कृषि विज्ञान केंद्र या दिव्यायन से ले सकते हैं। हमारे यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री 3 तरह का भी है उपलब्ध है, रेड दिव्यायन जो रामकृष्ण मिशन से मिलता है, झारसिम जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से मिलता है, और तीसरा एक मध्य प्रदेश का झबुआ का है कड़कनाथ, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तीनों का हम लोग देख रहे हैं और तीनों अच्छा से यहाँ पर ग्रो करता है। यहाँ का क्लाइमेट के अनुसार हमारा कड़कनाथ जो है वो कहीं पर भी किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकता है, उसमें कम तरह का बीमारी आती है। मुर्गियों के बेहतर स्वास्थ्य और उनके निरोग रखने में खान पान की विशेष भूमिका होती है। इस मौसम में मुर्गियों को ताजा, स्वच्छ, सूखा और संतुलित पौष्टिक आहार दें। इसमें मकई, सरसों की खल्ली और चावल के दाने दे सकते हैं, जबकि उनके तेज शारीरिक विकास के लिए कैल्शियम मिश्रित दाना और बेमरल सिरप दे सकते हैं। खान पान में हम लोग मकई भी दे सकते हैं, मकई का भूसी दे सकते हैं, सरसों का खली भी दे सकते हैं चूर कर करके, उसमें फिर चोकर दे सकते हैं, और किसी तरह का कन है जैसे चावल का कन वगैरह वो सब भी दे सकते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए। इस सब उसके शरीर में ग्रो करने के लिए काफ़ी फायदा हो जाता है। खास करके अभी जो बरसात के समय में घास वगैरह जो होती है वो घास कीट मकोड़ा भी चुन चुन के खा लेती है, घास भी खा लेती है, जिससे उसका शरीर वगैरह बढ़ने लगता है। मुर्गियों की आवास की गंदगी और उनके संक्रमण से कई बीमारियाँ फैलती हैं, साथ ही इस मौसम में नमी भी अधिक होती है, इसलिए उनके आवास को स्वच्छ और सतह को सूखा तो रखें ही, वहां बिजली का बल्ब भी जला दें। बिछावन में नमी हो तो उसे बदल दें। पोल्ट्री फार्म आबादी से हटकर बनाएं तथा उसका दरवाजा पूरब और खिड़की पश्चिम की ओर रखें। किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं व्यावसायिक रूप से तो आप ध्यान दीजिएगा,
उसके घर को साफ़ सुथरा रखना जरूरी है। उसे रूम में रात में लाइट का प्रबंध जरूर कर देंगे, जिससे बल्ब हो गया, गैस लाइट हो गया या सौर लाइट हो गया, और जैसे बहुत सारा है, लैंप भी जला सकते हैं। उसके रूम में लाइट होना जरूरी है, जिससे की वजह से उसमें गर्मी पैदा होता है। गर्मी पैदा होता है तो उसको बढ़ने में काफ़ी मदद होता है। और किसी तरह का जैसे बरसात के सीजन में बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा फतिंगा वगैरह होता है, जो अब लाइट के पास आकर के लगता है, उससे ज़मीन पर गिर जाता है, तो उसको मुर्गी सब खा करके काफ़ी ग्रो करता है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग को ऐसे कंडीशन में मुर्गी ज़्यादा बढ़ती है। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर ऐसा जगह हम लोग पालें जहाँ पर आदमी की संख्या कम हो, वहाँ पर कम से कम घर के दूरी जो रहने वाला निवास स्थान से थोड़ा सा दूर रहने से क्या होता है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई बीमारी वगैरह उसमें अटैक नहीं करता। किसी आदमी को अगर मान लीजिए फीवर है और उस मुर्गी घर में जाकर के उसे दाना देता है या पानी देता है, तो उसमें मुर्गी में भी आने का चांसेस बढ़ा रहता है। इस चलते ध्यान देना है कि हम लोग जो बीमार आदमी है उस आदमी वहाँ पर जाकर के खाना पीना न दें। मुर्गी पालन भाई, आप मुर्गियों में होने वाले रोगों के लक्षण की जानकारी रखेंगे तभी उनका सही उपचार करवा सकेंगे। वैसे रोग नियंत्रण से ज्यादा कारगर है बचाव। इसके लिए आवास में चूजा लाने से लेकर बाजार में बेचने तक जो भी आवश्यकता टीका हो वह अनुशंसित अंतराल पर दिलाते रहें। जब मुर्गी पालन आप करते हैं किसान भाई, तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो मुर्गी खाना नहीं खा रही है तो उस पर ध्यान देना है कि किस कारण से नहीं खा रही है। उसका शरीर को देखना है, शरीर से देखिए जो मलमूत्र जो कर रहा है उस पर ध्यान देना है कि वो किस तरह का बीट कर रहा है। अगर वो बीट कर रहा है चूना की तरह या हरा कर रहा है और झूप रहा है, तो समझ लीजिए कि रानीखेत बीमारी है, है ना। रानीखेत का बचाने के लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का पाउडर 4 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके 100 चूजा के लिए देते हैं, है ना। तो उसको ध्यान देना है कि उस तरह का बीमारी उसमें ना फैले। अगर एक में हो गया और उसको हम ध्यान नहीं देते तो तुरंत फैल जाएगा, पूरे में जितना उस घर में है सब में फैल जाएगा, तुरंत वो मर जाएगा, तो आपको काफी नुकसान हो जाएगा, जिसके वजह से मनोबल टूट जाएगा और आगे आप बढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे। मुर्गी पालन भाई, कुक्कुट विशेषज्ञ ने जो जानकारी दी उनके अनुसार मुर्गियों की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। स्वस्थ और पुष्ट मुर्गियां ही आपके बेहतर मुनाफा का आधार है। किसान भाइयों, आपने देखा कि मुर्गी रोग कैसे उसका समाधान किया जाए और सिंगल विंडो सिस्टम का क्या लाभ है। फिलहाल यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। और एक जानकारी आपको देना चाहेंगे, अगर आप हमारे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो आप YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं और वहां पे अपनी समस्या भी लिख सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी बता सकते हैं। फिलहाल आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।